बाकी को अब बातों से नहीं, रियलिटी चेक लातों से देना पड़ेगा अनुज, अनुपमा और अधिक को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज के एपिसोड में अधिक और पाखी के बीच में एक सीन हुआ। उस सीन का इतना सिग्निफिकेंस नहीं था, सिर्फ इतना था कि पाखी अब प्रपोजल की तरफ बढ़ रही है कि मैं बिजनेस वूमेन बनूंगी, मैं सबको पीछे छोड़ दूंगी। मगर मेरे लिए वो सिग्निफिकेंट इसलिए था क्योंकि अधिक ने उसको रियलिटी चेक देने की कोशिश की। तो मैंने ये जो बात यूज की कि लातों से रियलिटी चेक, तो वो लातों का मतलब लिटरली लाते मारना या पाखी की मार कुटाई करना नहीं है। उसका मतलब ये है कि अब एक्शन से पाखी को ये रियलिटी चेक देना पड़ेगा, इन तीनों को जिन्होंने पाखी को बिगाड़ा है, अनुज, अनुपमा और अधिक। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह पाखी सामने है सबके, जिसमें उसका खुद का बहुत बड़ा रोल है, मगर जिनका रोल उसके साथ साथ चला है उनकी बात भी करते हैं। वनराज तो अब पाखी के सीन में है ही नहीं, उसने अपना रोल निभा दिया पाखी के बचपन से लेके पाखी की जवानी तक उसको बिगाड़ने में। उसके बाद क्योंकि उस टाइम पे अनुपमा की चली नहीं, जितना वो कर पाई उतना किया उसने, मगर जब अनुपमा की चलनी शुरू हुई, अनुपमा ने भी अपना रौद्र रूप पाखी को दिखाया, घर से बाहर निकालना, थप्पड़ मारना, वो सब कुछ किया। मगर इसके साथ साथ जो एक्शन एक्चुअली लेने चाहिए थे वो अनुपमा ने भी नहीं लिए। एक आध लिया होगा, बट घर से निकालने वाला वगैरह वगैरह तब अधिक था साथ में। मगर अभी जो हम ये सिचुएशन देख रहे हैं उसमें अनुपमा के भी कुछ रिक्वायर्ड एक्शंस बनते थे, जो अभी भी बनते हैं और उसको करने चाहिए। अनुज के भी बनते हैं, क्योंकि अनुज अगर वनराज की जगह लेके पाखी को पैसों की फैसिलिटी देता रहेगा तो पाखी जैसा करेक्टर तो जिंदगी भर नहीं सुधरेगा। अधिक के भी बनते हैं कि अगर वो पाखी को पैम्पर करता रहेगा, इसी तरह से पाखी की हर बात को सुनता रहेगा, करता रहेगा, तो वो भी उसको बिगाड़ ही रहा है, सुधार नहीं रहा। तो अब एक्शंस की क्या मैं बात कर रही हूं बार बार, वो आपसे बात करती हूं। ये तीनों ही हैं जो पाखी को बार बार पैम्पर करते हैं, उसकी हर गलती को बातों में उसको समझा के, उसको डांट के इग्नोर कर देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते कि समझ जाएगी अपने आप। चाहे वो अनुज का प्रपोजल देने वाली बात हो, बात को टालने वाली बात हो, चाहे अनुपमा की बात हो, चाहे अधिक की बात हो। मैं ये पूछना चाहती हूं इन तीनों करेक्टर्स के जरिए कि पाखी के साथ जो मैं अपने हिसाब से सोचती हूं, मेरे हिसाब से कि पाखी के साथ जो एक्चुअली एक्शन लेने चाहिए वो ये है कि पाखी खुद का खाना खुद बनाए। पाखी बैठी है बेड पे, आराम से अपना प्रपोजल तैयार कर रही है, उसको किसी भी चीज की चिंता नहीं है। उसको पता है कि मुझे बेड पे बैठे बैठे ही खाना मिलेगा, मुझे हाथों में कोल्ड कॉफी मिलेगी, कुछ उन लोगों से जो मेरा फायदा उठाना चाहते हैं, कुछ उन लोगों से जो मुझे सुधारना चाहते हैं। शी इज वेरी क्लियर, उसको अपना एम क्लियर है कि मुझे मेरा मतलब निकालना है भाई, बैठे बैठे खाना खाओ, ये प्रपोजल बनाओ, बिजनेस प्रपोजल दो, ये वो। तो ये सारी फैसिलिटी सबसे पहले बंद करनी पड़ेगी। ये मैं हर उस पेरेंट से इस तरीके से अपनी बात कहना चाहूंगी कि जब पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं ना, उनका पहले ये फैसिलिटीज बंद करनी पड़ती है। उनको घर से मत निकालो, कुछ मत करो, ये बड़े दिल पे पत्थर रख के करने वाली बातें हैं। मैं काफी अपनी फ्रेंड्स को भी ये कहती हूँ, क्योंकि उनके बच्चे कुछ ऐसे हैं जो उनकी बात ही नहीं सुनते हैं, मगर फिर भी उनके लिए ऑर्डर बहुत बहुत महंगी जगह से वो करते हैं बच्चे, और माँ बाप पैसे भरते हैं कि चलो बच्चे ने खाया। तो ये छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही, बड़े बच्चे, कॉलेज जाने वाले, यूनिवर्सिटी जाने वाले। तो ये पैम्परिंग पहले बंद करनी पड़ेगी। हाँ, मदर्स को दुख होता है कि मेरा बच्चा कुछ खा नहीं रहा, चलो उसने फलानी जगह से इतने महंगा 1000-2000 की डिश मंगा ली तो क्या हो गया। मगर यही चीजें बच्चे को बिगाड़ती है। अगर बच्चे को भूख लगेगी, एक अच्छा भला एक 18-19 ईयर्स का बच्चा है, भूख लगेगी तो वो दाल चावल भी खाएगा। उतना पेशेंस मदर्स को भी रखनी पड़ती है। यहां पे पाखी के साथ क्या हुआ है, यही हुआ है। पाखी को हर चीज प्लेट में मिली है, बातों का उस पर किसी की बातों का कोई असर नहीं है। आज वो क्या कर रही है, बिजनेस प्रपोजल बना रही है और साथ में जेलसी है। कंपटीशन होता तो बात समझ में आती, हेल्दी कंपटीशन है, हाँ पाखी बनाओ प्रपोजल,
करो कुछ, मगर उसका कंपटीशन नहीं है, उसका जलसी है कि मैं अपनी मम्मी से आगे बढ़ूंगी, मैं बिजनेस वूमन बनूंगी, मैं ये बनूंगी। अधिक की बातों को इग्नोर कर रही है कि ये एक्सपीरियंस, ये वो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की बात क्या कर रही है, मैंने शादी भी की, मुझे कहाँ एक्सपीरियंस था। तो क्या लोग शादी एक्सपीरियंस करके शादी करते हैं? इतनी दिमाग की पैदल है पाकि, क्या पहले 10 बच्चे पैदा करने के बाद कहते कि मैं बच्चा पैदा, ये एक्सपीरियंस तो पहली बार ही होते हैं। मगर बिजनेस का एक्सपीरियंस लेने के लिए या कोई भी जॉब का एक्सपीरियंस लेने के लिए पहले इंटर्नशिप करनी पड़ती है, पहले उसको सीखना पड़ता है। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 10 डिग्रीज लगती हैं उस जॉब को लेने के लिए। अपने कंट्री में, किसी भी कंट्री में बड़ी पोस्ट के लिए आईएएस आईपीएस कितने पेपर देते हैं बच्चे, उन चीजों को पास करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। मगर पाखी जैसे पैदल दिमाग बच्चे को यह समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो बिजनेस प्रपोजल भी जेलसी से बना रही है और उसको लग रहा है कि ये तो पास हो ही जाना है। अनुज कहां मना करेगा, बड़ी है वो तो मुझे कहां मना करेगा, उनके घर पे बैठी हूं, ऐश से जिंदगी जी रही हूं, कोई भी मेरी किसी भी फैसिलिटी पे रोक नहीं है। तो पाखी को बिगाड़ने वाले ये तीनों, खास करके एट प्रेजेंट स्टेज पे, इन तीनों को अब सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे, तभी हमें भी लगेगा कि वाकई में ये तीनों पाखी का भला चाहते हैं। क्योंकि अगर पाखी आईवीएफ पे जा रही है तो ऐसा नहीं कि आईवीएफ अभी करना जरूरी है, एक साल बाद भी हो सकता है। पाखी का अभी का भी मां बनना तो जरूरी नहीं है ना, ऐसा तो कोई पीरियड निकलता नहीं जा रहा पाखी का। पाखी को इन बातों को समझना बहुत जरूरी है और इन लोगों को इन बातों को समझाना बहुत जरूरी है। अब बहुत हो गया उपदेश, अब पाखी को एक्शन से समझाना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। क्योंकि आज आप लोगों को लगा होगा कि ये छोटा सा सीन है, मगर मेरे लिए नहीं था, मुझे हैरानी हुई बल्कि कि पाखी तो उसी जगह पे है, वैसे ही वो बैठी है खिलारा पाके। खिलारा पाके थोड़ा पंजाबी वर्ड हो गया, बट इसका मतलब है कि पूरा बिखेर के बैठी है सारा का सारा अपनी इर्द गिर्द। तो ये जो चीजें हैं पाखी की सुधरनी चाहिए, और ये एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेगा अगर इस सीरियल में इस चीज को कवर करते हैं उन बच्चों और उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे को पैम्पर करके इस जगह तक ले आते हैं जब बच्चा उन्हीं के सर पे चढ़ के नाचता है। तो ये चीज मैं कहना चाहती थी आपसे, आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।